हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग मीठी की दुनिया। हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू और जम्मू से कटरा तक का हम सफ़र करेंगे बस के द्वारा। वैसे तो हमने ट्रेन का रिजर्वेशन करा रखा था जम्मू से कटरा के लिए, और वो वाली ट्रेन थी हमारी वंदे भारत। लेकिन गरीब रथ जो थी ना, वो हमारी मुरादाबाद से इतना ज़्यादा लेट चली कि यहाँ पर जब हम पहुँचे तो काफ़ी लेट हो चुके थे, जिस वजह से हमारी वंदे भारत ट्रेन मिस हो गई। और फर्स्ट टाइम उसमें बैठना था हम लोगों को, तो हम एक्साइटेड भी बहुत थे कि वंदे भारत ट्रेन में बैठेंगे, लेकिन नसीब अपना अपना, तो हम वंदे भारत ट्रेन में नहीं बैठ पाए। इसीलिए हमें यहाँ पर आकर बस का सफ़र करना पड़ा। तो आप बने रहिए ब्लॉग में और हसीन वादियों का मज़ा लीजिएगा। और ये बस थी एसी वाली, मतलब बोला था इसका जो ड्राइवर था कि एसी बस है, बैठिए बैठिए। तो हम लोग भी बैठ गए कि चलिए भाई एसी तो चलेगा, गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन जब हम इसमें बैठे तो एसी तो बहुत नॉर्मली चल रहा था, पता ही नहीं लग रहा था कि एसी चल भी रहा है। और ये फ़ैन आप देख ही रहे हैं इसमें लगे हुए, तो ये फ़ैन सारे ही ख़राब पड़े थे, कोई भी फ़ैन काम ही नहीं कर रहा था। जम्मू पहुंचते ही पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं और आप देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है। मिस्टी यहाँ पर बहुत खुश दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मिस्टी मेरे ख्याल से सेकंड टाइम बस में बैठी है। और बस से भी सफ़र करने का एक अपना अलग ही मज़ा है। वैसे तो काफ़ी लोगों को बस में सफ़र करने से वॉमिट की शिकायत होती है, लेकिन हम लोग इस मामले में अच्छे हैं कि हम ट्रेन, बस, कार किसी से भी सफ़र कर लें, लेकिन इस तरीके की प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस का जो ड्राइवर है ना, वो मतलब किस तरीके से चढ़ चढ़कर आगे की तरफ पैसे लेने के लिए जा रहा है। क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि जो बीच में स्पेस होता है चलने का, वहाँ पर भी कुछ स्टूल डाल कर ना और लोगों को बैठा दिया था। तो इन लोगों को तो अपने पैसे बनाने से मतलब है, यात्री को फिर चाहे कितनी भी दिक्कत हो, इन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। तो मैं इसी लिए ना इन्हें बड़ा घूर कर देख रही थी कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से चढ़कर आगे की तरफ जा रहे हैं। एसी वाली बस का जो किराया था जम्मू से कटरा तक के लिए, वो पर पर्सन 150 रुपीज़ जा रहा था। और मिस्टी का भी यहाँ पर किराया गया था, क्योंकि मिस्टी के लिए भी हमने सीट ली थी। बस में इतना ज़्यादा भीड़ थी कि आप देख सकते हैं कि कुछ यात्री जो हैं वो खड़े हुए भी सफ़र कर रहे हैं। ब्लॉग का करती हूँ मैं यहाँ पर ही एंड। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना। जल्दी आपको माता के दर्शन कराऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर माई यूट्यूब फैमिली।